बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि अबू बकर ने एक डोल निकाला, उसमें कमजोरी थी। फिर मैंने एक बहुत ताकतवर को देखा कि उसने डोल निकाला और बड़ी ताकत के साथ डोल निकाल लिया, ना कुएं से नहीं पानी का डोल निकालते। तो आपने फरमाया इस ख्वाब की ताबीर किया है उमर, यानी उनके दौर में जो निजाम चलेगा ना ताकत और कुव्वत के साथ चलेगा। गैर मुस्लिम इस बात का इतराफ करते हैं कि इस्लामी तारीख में उमर जैसा दौर नहीं आया, ऐसा खानदानी दौर था ना हजरत उमर का, कोई इख्तलाफ नहीं। और कितने आपने, अच्छा जर्मनी में ना अभी भी उमर लॉ के नाम से, उमर लॉ के नाम से वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उसको कहते ही उमर लॉ है। मैं पहले इस बात को यकीन नहीं करता, मैं गया तो पता चला ऐसा है हकीकत में। ये जो इंसानी फलाह बहबूद के कवानीन उन्होंने वजा किए ना बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने, ये हजरत उमर से लिए उन्होंने, उसका नाम भी अब तक उन्होंने उमर लॉ रखा हुआ है। नहीं आई मेरे ख्याल बात समझ में? तो गैर आपके खलीफा आदिल के आदिल होने और उसकी फजीलत की गवाही दे रहा है, और यहां बाज लोग जो अपने आप को इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं वो उमर को बुरा भला कह रहे हैं, माज अल्लाह। हजरत उमर को इस्लामी तारीख से निकाल दो तो क्या बचेगा भाई आपके पास? एक ही तो दौर था जिसमें इस्लामी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा मील पे फैली है और किसी में मजाल नहीं थी कि सर उठा के बात कर सके।